कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे शादी के सपने दिखा के भाग गया। वो मेरे सारे जेवर चोरी करके भाग गया। नाम बताओ उस लड़के का। विश्वास वाली है। कौन हो तुम विश्वास? ये क्या सवाल है? विश्वास यहाँ है तू? विश्वास मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन है, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? अमृता, 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 पानी, पानी, बीना, बीना, अमृता, 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 क्या हुआ? क्या हुआ अमृता? ये क्या हुआ? हम बेहोश कैसे हुए? My God, उसने तुम्हें बेहोश किया? मैंने पहले ही कहा था अमृता कि वो विश्वास एक बहरूपिया है। शुक्र है कि उसने सिर्फ तुम्हें बेहोश किया। वो ऐसा इंसान है कि वो मार भी सकता है। He's a psychopath. वो साइकोपैथ कुछ भी कर सकता है। बीना, 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 ठीक हो तुम? दिनेश, तुम जरा ख्याल रखो इन दोनों का, मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। एसीपी साहब, विशाल त्रिवेदी हियर। बोलिए विशाल साहब। सर, जो हमने सोचा था विश्वास के बारे में, वो तो उससे कहीं बदतर इंसान निकला। वो अमृता और किसी और को बेहोशी की दवा देकर फरार हो गया। ये जनाब गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर पकड़े गए। इन्होंने सोचा ये कि बस बॉर्डर पार कर लो, पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन इन्हें देश की पुलिस की ताकत का अंदाजा नहीं था। जमीन में से खोद के निकाल लिया जाता है, तुम तो जमीन के ऊपर। विश्वास साहब, कहां गई आपकी पुरानी अकड़? वो बातें कि मैं सीक्रेट सर्विस एजेंट हूं। By the way, ये कहना कि मैं सीक्रेट सर्विस एजेंट हूं जबकि तुम हो नहीं, कानूनन जुर्म है। पर हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, परितोष जैसे, जो कि तुम्हें कोर्ट से छुड़वा सकते हैं, जुर्म चाहे तुमने जितना बड़ा किया हो। आज ऐसी भी साहब इसने मांग नहीं की किसी लॉयर की। क्यों? कोई लायर की ना मांग की और ना कोई आया। हाँ, मेरा ख्याल है उस दिन भी कोई ना आता, क्योंकि ये अफोर्ड तो कर नहीं सकते हैं इतने बड़े लॉयर को। मगर इनके आकाओं ने भेजा था। क्यों भाई, अब तुम्हारे आकाओं ने तुम्हें जेल की हवा खाने के लिए छोड़ दिया क्या? भूल गए तुम्हें? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मेरा कोई आका नहीं है। ये सब जो भी मैंने किया वो अमृता के करीब जाने के लिए किया, बस। क्यों, इश्क हो गया था तुम्हें अमृता से? जी नहीं, वो जो सोशल अवेयरनेस के मुद्दे उठाती है उसके लिए ये सब मैंने किया। झूठ मत बोलो तुम एक मुजरिम हो और तुम ये सब किसी के बहकावे में आके कर रहे हो। जी नहीं सर।
मैं यह तो जानता हूं तुम्हारा लॉयर परितोष किन बड़े लोगों के लिए काम करता है। मिस्टर बलबीर सिंह अरोरा का नाम तो सुना ही होगा तुमने। जी नहीं। तो फिर वो कौन लोग थे, कौन अमीर लोग थे जिनके लिए तुम ये घिनौना काम कर रहे थे, बोलो। जवाब दो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अमृता वैसे ही अपने पति को लेकर इतनी परेशान। गमगीन है वो बेचारी, मगर ये इसने उसके अंदर सोए हुए अरमान जगाए, उसकी उम्मीदें जगाई कि उसका पति उससे मिलेगा। तुझे तो मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। दो महिलाओं को बेहोश करना कितना बड़ा जुर्म है जानते हो तुम? ये सब उसे पता चलेगा जब ये केस चलेगा कोर्ट में। अब भी मान जाओ, सच बता दो हमें, पुलिस विटनेस बन जाओ। मैं जज से अपील करूंगा कि तुमने हमारी मदद की है कुछ अमीर और पावरफुल लोगों को बेनकाब करने में, वो तुम्हारे साथ नरमी बरते। बोलो, बनने को तैयार हो पुलिस विटनेस? तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है, सोचो वो बताओ। कौन हो तुम? कौन लग रहा हूं? मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन मुझे जिसने भेजा है उसे तो तुम जानते हो। और मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हें उन्हीं लोगों ने भेजा? पकड़ा तो गया विश्वास, मगर अब जुबा खोलेगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है। आई कांट बिलीव कोई मुझे इतना गुमराह कैसे कर सकता है। इंद्रजीत और उसके लिए तुम्हारा प्यार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है अमृता। कब तक यूं ही भटकती रहोगी उसके लिए? अब तक तुमने इंद्रजीत के बारे में अलग अलग लोगों से अलग अलग कहानियां सुनी है। तुम्हारी इस व्यथा को देखकर रितंबरा और विशाल ने भी इंद्रजीत का पता लगाने की कोशिश की है, और उस विश्वास ने भी तुम्हें कुछ कहानियां सुनाकर भावुक कर दिया है। अब तुम इंद्रजीत का पता लगाना छोड़ दो अमृता, जब तुम्हारे भगवान की मर्जी होगी तो इंद्रजीत खुद ब खुद आ जाएंगे। तुम बस अपना और अपने बच्चों का ख्याल करना सीखो। और फिर तुम तो इतना कुछ कर रही थी समाज की भलाई के लिए, उसे भटको नहीं। पता है जब जिंदगी अच्छी और खुशहाल चल रही होती है तो हर समस्या अपना समाधान खुद ढूंढ लेती। ताजू, तो मुझे इस बात का हो रहा है कि कामिनी ने भी मुझे जगाने की कोशिश नहीं की इस गहरी नींद से, जिसमें मैं इंद्रजीत को पाने की खातिर एक फरीबी से झूठी शादी करने को तैयार हो गई थी। कम से कम मुझे तो मुझे समझाना चाहिए था ना, एक सलाह देनी चाहिए थी ताकि मैं ऐसी भूल ना करूं। वो क्या तुम्हें सही सलाह दी? वो तो मुझसे कह रही थी कि खबरदार अगर तुमने उसकी शादी रुकवाने की कोशिश की तो। अमृता, वो सिर्फ ये चाहती है कि तुम्हारे जीवन में कोई मर्द आ जाए ताकि उसका शक दूर हो कि तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता है। खैर, मुझे अब इन सब बातों को छोड़ छाड़ के बस अपने काम में जुट जाना है। विशाल पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि विश्वास के पीछे कौन लोग थे। अगर वो लोग आज छूट जाते हैं तो कल फिर से कोई गेम खेलेंगे, फिर से नई चाल चलेंगे ताकि तुम उलझी रहो। खैर, इस हादसे के बाद अब मैं इतनी कमजोर नहीं रहूंगी इंद्रजीत को लेकर। मैंने जिंदगी से एक बात तो सीख ली है कि अपनी कमजोरियों पर जीत पाना ही असली जीत है। इसलिए अब से इंद्रजीत मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत होंगे। गुड, मुझे खुशी है।
देखिए, आप यहां खड़े रहेंगे और मैं वही बोलता रहूंगा जो मैं बोलता आ रहा हूं। आप चार बार बाहर गए और अंदर आए, मेरा जवाब बदला? नहीं ना। मैंने ये सब जो भी किया अमृता के करीब पहुंचने के लिए किया, इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं था, किसी का हाथ नहीं था। प्लीज एक्सक्यूज मी, यस, आप ही एसीपी खालिद हैं? जी हाँ, मैं ही एसीपी खालिद हूँ, कहिए। मैं रस्तोगी, वीएन रस्तोगी, मैं इनका वकील। आपको यहाँ किसने भेजा? कल देर रात मुझे फोन आया। क्या मैं इनसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? आप बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त ना लगाएं। कौन हो तुम? कौन लग रहा हूं? मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन मुझे जिसने भेजा है उसे तो तुम जानते हो। पर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हें उन्हीं लोगों ने भेजा? इस शहर में दूसरा कौन सा अमीर बाप पैदा हो गया जो मेरी इतनी कीमती फीस जमा करके तुम्हें मिलने के लिए बोले? अच्छा, लेकिन कल तो उन्होंने मेरी मदद करने के लिए मना कर दिया था। रणधीर बेवकूफ है। जब बलबीर को ये पता चला कि तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है, तब उसे तुम्हारी फिक्र हुई। उसने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम अपना मुंह रखो। मैंने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। बलबीर को जाकर बोल देना, अगर कल मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए तो मैं अपना मुंह खोल भी सकता हूँ। मगर तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए? सर, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मेरे पास अपने रास्ते हैं वो पता लगाने के लिए। अब बस ये करिए कि जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे ज्यादा दिन यहाँ रहना नहीं है। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। बातें नहीं सर, जितना जल्दी हो सके उन्हें कहिए मुझे यहाँ से निकालें। जैसे नहीं तो मेरा पर्दाफाश हुआ है ना, उनका भी हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। मैं तुम्हारी जायदाद अपने नाम नहीं लिखा रहा हूँ, ये वकालतनामा है, इसमें लिखा है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग यू। इसके बाद अपनी सारी धमकियां और सारी शिकायतें मैं रणवीर से जाके कहूंगा। ठीक है। बहुत खूब विशाल साहब, ये चाल आपकी बड़ी कामयाब रही। रस्तोगी रस्तोगी। अब देखिए, ऐसे भी साहब चालबाजों से चाल ही चलनी चाहिए। वो मुंह नहीं खोल रहा था, हमें कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने सोचा और रास्ता क्या है, फिर मुझे रस्तोगी का ख्याल आया। मैंने कहा इसे बलबीर अरोरा का लॉयर बना के बेचता हूँ, अब वो क्या समझेगा, बलबीर अरोरा ही लॉयर भेजेगा ना, और कौन भेजने वाला है? ऑफ कोर्स। मगर शुक्र है रस्तोगी ने भी ऐसा फांसा उसे कि उसने बलबीर अरोरा, रणवीर अरोरा सबके नाम को कबूल कर दिया और कह भी दिया। देखिए कि मुझे कितने बजे 25 लाख बोला, 25 लाख मतलब ट्रांसफर करा दो। अब मामला बिल्कुल खत्म हो गया विश्वास का, ये तो कोर्ट में इट इज गोइंग टू नेल हिम, फिनिश इट। करेक्ट, और अब इसकी कहानी खत्म। इसकी कहानी खत्म। थैंक यू रस्तोगी, मगर वो चाहिए मुझे। यस बॉस। ये वो पेन है जिसमें स्पाइक है, इसने पूरा रिकॉर्ड कर लिया इसने विश्वास को। मैं 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ लैपटॉप पे। बलबीर को जब ये पता चला कि तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है तो उसे तुम्हारी फिक्र हुई। उसने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम अपना मुंह मत खोलना। मैंने अपना मुंह नहीं खोला है, बलबीर को जाके बोल देना।
अगर कल मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए तो मैं अपना मुंह खोल सकता हूँ। मगर तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए? सर आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मेरे पास अपने रास्ते हैं वो पता लगाने के लिए। आप बस ये करिए कि जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकालिए। मैं बलवीर से बात करूंगा। बस अब ये जज को दिखाना है। विशाल इन्हें अपने बेटे के खोने का भी गम नहीं है। अरे उसका नाम इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन्हें। विशाल विश्वास ने ये बात सच में कबूल कर ली है क्या कि मेरे इन-लॉज ने ही उसे प्लांट किया था? अगर विश्वास ने कबूल नहीं किया होता तो हम एसीपी के दफ्तर क्यों जा रहे होते? ऑब्वियसली अब हम कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे हैं आपकी तरफ से, बिकॉज इससे पहले तो आप विश्वास के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे ससुराल वाले इतने लालची कैसे हो सकते हैं। जब तक इनका पैसा खत्म नहीं होगा ना तब तक ये कोई ना कोई चाल चलते रहेंगे मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ। चाल तो ये तब चलेंगे जब ये बाहर खुला घूमेंगे, लेकिन अगर मैं इन्हें सलाखों के पीछे डलवा दूंगा तब क्या चालें चलेंगे? तब तो इन्हें अपनी फिक्र सताई जाएगी। विशाल इन्हें अपने बेटे के खोने का भी गम नहीं है। अरे उसका नाम इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जहां तक मरने का सवाल है मुझे तो नहीं लगता ये इतनी आसानी से मरने वाले हैं, बिकॉज ऊपर जो है ना अमृता, नरक में हाउसफुल चल रहा है, वहां वेटिंग चल रही है, तो जब तक वो वेटिंग खत्म नहीं होगी, थोड़ा सा रूम नहीं बनेगा तब तक ये ऊपर जाएंगे कैसे? चल यार अब तो अपना ह्यूमर कंट्रोल कर, देख नहीं रहे अमृता कितनी संजीदा हो रही है? पिटेगा तू आज? मैं आज पिटूंगा? अरे पीट तो इसने उसी दिन दिया था मुझे एनजीओ में लफ्जों से। मुझे कहती क्या है? कहती है कि तुम तो चाहते ही नहीं कि इंद्रजीत कभी वापस आए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पत्ता कट हो जाएगा। और दूसरी बात, मुझ पर तोहमत लगा रही थी कि मुझे इससे इश्क है। अब बताओ इससे किसको इश्क हो गया यार? हैं? तुम्हें इश्क है इससे? Shut up, विशाल। अब तुम दोनों प्लीज मुझे ताने देना बंद करोगे? कहा ना आई एम सॉरी, गलती हो गई, अब माफ भी कर दो। तब तक माफ नहीं करेंगे जब तक रोज सुबह उठकर हमें आई एम सॉरी ना बोलो। आई एम सॉरी दिनेश, आई एम सॉरी विशाल, आई एम सॉरी दिनेश, सॉरी विशाल। सच में पर तुम दोनों ने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच। अमृता इस बार दिनेश और मैं थे और हमारी पूरी कोशिश थी कि तुम विश्वास के गलत इरादों से बच जाओ। हम गली कूचों में गए, सुराग ढूंढने कुछ चालें चली, तब जाके विश्वास एक्सपोज हुआ। लेकिन कल अगर हम दोनों नहीं होंगे तो अमृता एक बात याद रखना, तुम्हारी एक कमजोरी है इंद्रजीत। जो भी आके तुमसे कहे इंद्रजीत के बारे में, कुछ भी कहे, उसका विश्वास मत करना, चाहे उस आदमी का नाम विश्वास हो या कुछ और हो। हाँ अमृता, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ विशाल से। वैसे एक बात तुम्हें अब तक बताई नहीं है मैंने, ये जो विश्वास की गर्लफ्रेंड आई थी ना तुम्हारे पास, बीना, ये विश्वास की गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये मैंने प्लांट की थी। अगर वो इतना बड़ा लंबा चौड़ा विश्वास प्लांट करवा सकते हैं तुम्हारे घर में, तो मैं बीना क्यों नहीं प्लांट करवा सकता हूँ एनजीओ में? By the way, अब तक वो जानता नहीं है विश्वास कि हमने किस तरीके से ट्रैप करके उससे कन्फेशन निकलवाया है। और अब एक बार तुम कंप्लेंट दर्ज करवा दोगी, पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, फिर तुम देखो इन लोगों को मैं कैसे सजा दिलवाता हूं।
लेट्स गो। जी मुझे विश्वास से मिला है। कौन है आप? जी मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अरे श्री सर जरा इन्हें विश्वास से मिलवा दो। जाइए। Yes, please. जी मुझे विश्वास है। कौन है आप? जी मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा अच्छा ठीक है भाई शौक से मिलिए जाइए। अरे श्री सर जरा इन्हें विश्वास से मिलवा दो। जाइए जाइए। थैंक यू। जाइए वेलकम। विश्वास मैं तुम्ही से मिलने आया। तुम कौन हो? मुझे बलबीर अरोरा ने भेजा है ये बोलने के लिए कि तुम अपना मुंह बंद रखना। क्या हिंदी समझ नहीं आती तुम्हें? तो जो पहले आया था वो कौन था? What do you mean? जो उनका लॉयर बन के आया था। रणधीर बेवकूफ है। जब बलबीर को यह पता चला कि तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है तब उसे तुम्हारी फिक्र हुई। उसने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम अपना मुंह न खोलो। मैंने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। बलबीर को जाकर बोल देना अगर कल मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए तो मैं अपना मुंह खोल भी सकता हूं। वो कौन था? योर ऑनर जैसा कि चार्जशीट में आपने पढ़ा होगा ये है मिस्टर विश्वास वालिया। इन्होंने एक बहुत ही घिनौनी हरकत की है बल्कि मैं ये कहूंगा कि इनसे एक बहुत ही घिनौनी हरकत करवाई गई है।